मरो ससुराल, हिंदू मरो, मुसलमान मरो, इधर और कहता था मरो उसको, देखो भाग रहा है, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मरो इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल मारे। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं कल उसके साथ खाना खाते थे, जिन मुसलमानों से आप लड़ रहे हैं याद कीजिए ईद की सवैया एक साथ खाए थे, आप इन दो कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले हैं, हथियार उठा लिए यहाँ पर, जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया, इसलिए अंग्रेजों ने कहा वन मैन आर्मी है ये, जो विशाल गंगा की तरह अविरल धाराओं के समान भारत की संस्कृति थी, इन संस्कृति को अंग्रेजों ने सुखा दिया, और जब नदियां सूखती हैं तो अपने पीछे न जाने कितने कचड़े, दलदल और बंजर जमीन छोड़ के जाती है, भारत को अंग्रेजों ने वही दलदल और बंजर जमीन कर दिया, जिन्ना को ये समझ में नहीं आया। आप बहुत तकलीफ में हो जाए आप कहाँ जाते हैं, अपनी माँ के आंचल में, और वहाँ सुकून मिलता है, पाकिस्तान को भी सुकून मिलेगा, भारत माँ की आंचल में आना ही पड़ेगा। तो मुस्लिम बताइए, वेवेल के द्वारा लाया गया शिमला सम्मेलन सफल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, वेवला घुसिया के भगा दिया, किसको? जिन्ना। जिन्ना को भी याद आया, इतिहास ये भी जानकार था, कहा कि गांधी जी टेबल पे से कूद के भागे थे, हम भी भागते हैं, ये भी कहा अगर 6 सीट मुस्लिम लीग से नहीं आएगा हम भी जाते हैं, वेवला दू जूता दिया, भाग छोटा कहीं यहाँ पे नहीं आते, गांधी बनता है यहाँ पर, और कात में रहो यहाँ, भगा दिया वेवला किसको? जिन्ना को। जिन्ना घुसिया गया, कहा कि हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं, ढोलक बजा दिया हम दोनों से पीट रहे हैं। अब जिन्ना ने कहा अब नहीं हो सकता, अब हम अपना सबसे क्रूर रूप दिखाएंगे, और उसने 16 अगस्त 1946 आजादी से ठीक एक साल पहले इसने कह दिया डायरेक्ट एक्शन प्लान, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही, कहा कि अब छुप छुप के नहीं होगा, अब खुलेआम होगा, छुप छुप के गया जमाना, अब क्या हो गया? खुलेआम होगा। और क्या होगा एक बात बताइए, अगर हम कहें कि खुलेआम, तो हम खुलेआम पढ़ा ही सकते, शिक्षा का काम पढ़ाना, ड्राइवर का काम गाड़ी चलाना, बावर्ची का काम खाना बनाना, तो जो अगर कोई बावर्ची कहे कि अब हम छुप के काम नहीं करेंगे खुलेआम, मतलब वो खाना खुलेआम बनाएगा, यही ना। लॉकडाउन में अगर कोई शिक्षक कहे कि अब छुप छुप के काम नहीं होगा खुलेआम, मतलब अब वो छुप के नहीं पढ़ाएगा, लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर ने खुल छुप के पढ़ाया था, कहा कि आप प्रत्यक्ष पढ़ाएंगे, मतलब खुल के पढ़ाएगा। जिन्ना ने भी कहा अब छुप छुप के नहीं होगा खुलेआम होगा, तो लोगों ने कहा क्या कराने वाला ही, ससुरा पूरे भारत में दंगा करा दिया, पूरे भारत में दंगा करा दिया गया, और गांधी जी न होने का इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया, मतलब तो गांधी जी थे तो दंगा उंगा संभाल लेते थे। कलकत्ता में इसने एक दंगा कराया नोआखली में, कहां कराया? नोआखली में, और इस नोआखली दंगे में 20,000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार कर दिया गया, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, और अंग्रेज पूरी तरह से फौज लेके वहां खड़े थे, सब मजा में थे, एकदम मरो ससुराल, हिंदू मरो, मुसलमान मरो, इधर और कहता था मरो उसको, देखो भाग रहा है, मिश्रा जी भाग रहे हैं, मरो इधर देखो भागो, अंसारी जी भाग रहे हैं, मार एक रहा, लुंगी खोल मारे, मार दिया वो, अंग्रेज सब मजा ले रहे थे, अंग्रेज को क्या घाटा है, वो तो चाहते थे सब मारो, देख रहे हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। आप समझते हैं लोग क्यों पाकिस्तान को गाली देता है? आजादी ये हम लोगों ने मजबूरी में दिया इनको कि ले जाओ ससुरा, क्योंकि कैंसर को काट के निकालना ही पड़ता है, नहीं निकालेंगे दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर इतनी बुरी सोच किसी की हो सकती है? इतिहास जब भी लिखेगा तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस में क्या कराया गया था? तो दंगे कराए गए थे। महात्मा गांधी जब ये सुने नोआखली में, तो महात्मा गांधी को रहा नहीं गया, महात्मा गांधी बंगाल में चले गए नोआखली में, और लोगों को समझाए हम कुछ दिन जेल में क्या चले गए, आप लोग ने तो सारी मर्यादा ही पार कर दिया। जिस हिंदू को आप मार रहे हैं कल उसके साथ खाना खाते थे, जिन मुसलमानों से आप लड़ रहे हैं याद कीजिए ईद की सवैया एक साथ खाए थे, आप इन दो कौड़ी के अंग्रेजों के लड़ाने में आप चले हैं, हथियार उठा लिए यहाँ पर, लोगों के आंख से आंसू निकल गए, सारे लोगों ने अपने हथियार महात्मा गांधी के पैरों में डाल दिया, अंग्रेज खड़े देखते रह गए, सोचा ये कौन आदमी है रे यहाँ पर। इसीलिए महात्मा गांधी को जादूगर कहा था, बंगाल के सबसे प्रमुख नेता का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, महात्मा गांधी को क्या कहा था? जादूगर, कहा कि इनकी बातों में जादू है, लोगों ने अपने सारे हथियार महात्मा गांधी के चरणों में डाल दिया, जो अंग्रेजों की फौज खड़ी होकर दंगे ना रोक सकी, महात्मा गांधी का एक भाषण ने पूरा दंगे रोक दिया, इसलिए अंग्रेजों ने कहा वन मैन आर्मी है ये, अकेला फौज के बराबर, समझ आया कि नहीं आ गया? और उसके बावजूद लोग लोग क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी ने विभाजन कराया, महात्मा गांधी ने ये कराया, अरे यार तुम घर का इतिहास पढ़ते हो।
क्या उस समय देश के नेता सो गए थे? उस समय सरदार पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्ना की तो बातें छोड़ो, जिन्ना था ही तो ये हो रहा था वो क्या रोकने आता इस चीज को, इतना मतलब उसके बाद भी महात्मा गांधी पहुंचे। अंग्रेजों ने उन्हें कहा वन मैन आर्मी, एक और उपाधि दिया वन मैन बाउंड्री फॉल्ट, अकेला आया दोनों के बीच में बाउंड्री खींच के चला गया यहां पर। और अंग्रेज जो खड़े होकर देख रहे थे, महात्मा गांधी उस समय बहुत आहत हुए, लेकिन जब विचार विमर्श हुआ तब सारे लोगों ने कहा कि देखिए गांधी जी कहां कहां आप दंगा शांत कराएंगे। महात्मा गांधी भी उस समय रो दिए, महात्मा गांधी बहुत तकलीफ हुआ। उस समय अंग्रेज भी अब कह रहे थे सर कि विभाजन करना चाहिए, और विभाजन में सबसे आगे जो फॉर्मूला दिया गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने फॉर्मूला दिया था विभाजन का, जिसे कहा जाता है CR फॉर्मूला, और जिसे सरदार पटेल ने पारित किया था प्रस्ताव। सरदार पटेल ने भी उसमें क्या लगाया था, मोहर लगाया। महात्मा गांधी भी देख लिए कि जिन्ना अब नहीं मानने वाला, जिन्ना अब नहीं मान। इन्हें समझाने के लिए बहुत कोशिश किया गया लेकिन जिन्ना मानने के लिए तैयार नहीं था। महात्मा गांधी जिन्ना को बहुत सारा कहा कि भाई आप तो कायदे आजम है, आपके हाथों से ऐसे काम अच्छे नहीं होते। जिन्ना लेकिन अपनी बात पर अड़ा रहा। महात्मा गांधी कहते रह गए देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, लेकिन अब महात्मा गांधी को भी एहसास हो गया था कि एक गांधी कहां कहां दंगे फसाद को शांत करेगा। नोआखली का शांत नहीं हुआ, बिहार में चालू हुआ, भागलपुर में चालू हुआ, रांची में चालू हो गया, महाराष्ट्र में चालू, हर जगह यह विभाजन, ये आग लगती गई। और अंततः अंग्रेजों ने भी क्या किया, पाकिस्तान का क्या किया, विभाजन किया, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगर मुक्ति, अगर ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस नहीं मनाया रहता, दंगे फसाद नहीं होते, तो अकेला वन मैन आर्मी जिसे कहा जाता था ना, वो रोक देता भारत का विभाजन। उस इंसान में इतनी ताकत थी, लेकिन वो देखा था कि लोग मर कट जाएंगे अगर इस जिन्वा को नहीं दिया जाएगा तो। अब देश का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय बूढ़े हो चुके थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, मृत सैया पर लेटे थे, और उन्होंने अपनी नम आंखों से रोते हुए कहा था कि हमें आजादी मिलेगी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज हमें इस तरह आजादी देंगे। जो विशाल गंगा की तरह अविरल धाराओं के समान भारत की संस्कृति थी, इन संस्कृति को अंग्रेजों ने सुखा दिया। और जब नदियां सूखती हैं तो अपने पीछे न जाने कितने कचड़े, दलदल और बंजर जमीन छोड़ के जाती है। भारत को अंग्रेजों ने वही दलदल और बंजर जमीन कर दिया। जिन्ना को ये समझ में नहीं आया। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हर इंसान अपने भारी मन से भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इवन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी, देश से प्रेम था उन्हें भी, उन्होंने भी लग गया कि भाई देशवासी रहना चाहिए तो ही देश रहेगा, देशवासियों को ही नहीं रहेंगे तो देश किस काम का। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के CR फॉर्मूला के आधार पर लॉर्ड माउंटबेटन आया और भारत का क्या किया, विभाजन किया। और 14 अगस्त 1947 को एक देश बना, नाम रहा पाकिस्तान। और अगले दिन 15 अगस्त 1947 को भारत का आजादी मिला। भारत का निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि ये संस्कृति का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भारत कब था। वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते की खोज किया, ना कि भारत की, क्योंकि उसको तो पहले से पता था भारत में मसाला होता है, तुमको रास्ता नहीं पता था, रास्ते से खोज करके आ गया। और अब पाकिस्तान ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, और ये गारंटी है कि पाकिस्तान 100 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जिस दिन वो सालगिरह मनाएगा उस दिन उसका हम लोग विलय दिवस मनाएंगे, अखंड भारत में मिलना ही होगा तुमको 100 साल के अंदर। बहुत जल्दी आ रहा है 2047, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2047 में हमारे वैश्य से पढ़े हुए जितने लड़के हैं वो इस भारत के बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर बैठे होंगे वहां पर, और उनके हाथ में होगा भारत के मूवमेंट को। आपको क्या समझ में आता है, इतना जो विद्यार्थी है लाइव में, गांव गांव में कह लिए, ये सब तैयारी चल रही है, ये सब क्या है, तैयारी चल रही है, समझ आया। और ये तैयारी है वहां पे, आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो कटप्पा जो है वो देवसेना लकड़ी बीनती है तो ढकेल देता है, क्या कर रही हो देवसेना, 20 साल से लकड़ी बीन रही हो। देवसेना कहती है पागल हो गए हो कटप्पा, लकड़ी नहीं चीता सजा रही हूं, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। यही जो आप लोग बैठे हैं ना, एक दिन चीता में लकड़ी का काम करेंगे पाकिस्तान के, उसको मिलना ही होगा भारत में। और उस दिन असली श्रद्धांजलि मिलेगी हमारे नोआखली में जो लोग दंगे में शहीद हुए थे, वही उसकी असली श्रद्धांजलि। और पाकिस्तान का एक ही जगह है जहां उसके सारे कर्ज माफ हो सकते हैं। जब दुनिया में सबको तकलीफ हो जाए, आप बहुत तकलीफ में हो जाए, आप कहां जाते हैं, अपनी माँ के आंचल में, और वहां सुकून मिलता है।
पाकिस्तान को भी सुकून मिलेगा भारत माँ की आंचल में, आना ही पड़ेगा। और दुनिया में कोई भी अपनी माँ को छोड़ के जाएगा कभी सुखी नहीं रह सकता है, आना ही पड़ेगा उसको, भारत माँ के पास आना पड़ेगा। और जब यहां आएगा तो उन सब के लिए अलग बैच चलाएंगे, क्योंकि हमें बम नहीं फोड़वाना है बैच में, ससुरा छोटा कहीं का, उन सब के लिए एक अलग बैच रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अलग आप एक अलग हॉल बनाएंगे, हॉल नंबर पाकिस्तान, और वो हॉल बुलेट प्रूफ होगा। उसमें बम से बचने के लिए सेंसर लगाए जाएंगे, और वहां क्लास में जाते वक्त आई कार्ड नहीं मेटल डिटेक्टर लगा होगा कि लड़का कहीं बम लेके तो नहीं आया। धीरे धीरे आने वाले समय लगेगा, लेकिन हम उसे सुधार देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे का क्लास कल करेंगे लोग।